गुजरात में दुई दिनिया जातीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन रही है। सम्मेलन पर नजर पकाइबा जो थे कि केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अभिभाषण पर नजर पकाइबा। बात भी है इसे मेरे मित्र प्रमोद सामंत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने का शिल्पकार हम सभी के गौरव परम आदरणीय श्री कस्तूरी रंगन जी, भारत सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, गुजरात के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मेरे मित्र श्री जीतू भाई बगानी जी, राज्य मंत्री श्री किरीट सिंह जी वाघेला, डॉक्टर कुबेर भाई दिंदोर जी, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के आदरणीय सचिव अनिता करवाल जी, गुजरात के मुख्य सचिव आदरणीय पंकज कुमार जी तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, पांडिचेरी, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, कर्नाटका, हरियाणा, मेघालय, दिल्ली, ऐसे सभी राज्यों की परम आदरणीय शिक्षा मंत्री मित्रगण, विभिन्न राज्य सरकारों की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के विभिन्न संगठनों की एनसीईआरटी, एआईसीटी, एनसीबीटी, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन, ऐसे अनेक प्रमुख संगठनों की अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, अन्य अन्य महानुभव, मैं सबसे पहले आप सभी को इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, गुजरात की प्रशासन को, उन्होंने इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मित्रों, कल हम लोग जब इकट्ठा विभिन्न प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, उसमें दो प्रकार के अनुभव हमने आ रहा था। व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए तो कुछ नया चीज था, प्रशासन को जन तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए ज्ञान को, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, नियंत्रित करने के लिए, समीक्षा करने के लिए टेक्नोलॉजी की सुविधा कैसे लें, शिक्षा को 21वीं सदी से जोड़ने के लिए क्या क्या आयाम हो सकता है, इसकी जो प्रयोग पिछले दिनों में हमारी प्रेरणा के केंद्र देश की माननीय प्रधानमंत्री एक एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात में रहते हुए, उसकी कुछ झलक कल हम लोगों ने देखा। फिर रात को हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का आतिथ्य का अवसर मिला। मित्रों, कोई भी एक प्रकार की, इस प्रकार की जब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है, उसकी पहले जब हम आपस में मिल जाते हैं, इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो जाता है, एक दूसरे को ठीक से पहचान लेते हैं, मित्रता हो जाती है, तब मित्रों उसकी आउटपुट और आउटकम मल्टीफोल्ड हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार की रचना की गई थी। हमें विश्वास है, कल कुछ मित्रों कह रहे थे इसकी बहुत विलंब हुई है इस प्रकार की इंटरेक्शन की, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। मित्रों, दुनिया एक क्रॉस रोड पे था कोरोना को लेके, कैसे मिले, कब मिले, मिलना कि नहीं मिला, इस प्रकार की
जब हमारे स्कूल ही नहीं खुल रहा तो हम कैसे मिले। हमारे स्कूल अभी खुलने लगे हैं, घंटियां बज रही है, अभी समर वेकेशन विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से हो रहा है। चंद दिनों में फॉर्मल स्कूल 2022-23 के एकेडमिक सेशन का चल पड़ेगा। उसके प्रारंभ में विद ए बैकग्राउंड नोट ऑफ एनईपी, और हमारे लिए आज गौरव की बात है, स्वयं कस्तूरी रंगन जी उस विषय में एक मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ है। हमारी इस इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन निश्चित रूप में आने वाले शिक्षा वर्ष में आउटकम बेस्ड होगा। हमारे निर्णय, हमारी पाठ्यक्रम, हमारी अप्रोच टू एजुकेशन निश्चित रूप में एक कदम आगे बढ़ेगा। मैं उसमें विश्वासी हूं, मैं कॉन्फिडेंट भी हूं। मित्रों, इसी बैकग्राउंड के साथ थोड़े अगर हम थोड़े इतिहास को याद करें और हमारी आजादी के उपरांत पहले 3 दशक शिक्षा राज्यों की विषय रहा। देश में जब आपातकाल लगी उस समय में उद्देश्य जो भी रहा होगा, शिक्षा दोहरी जिम्मेवारी में आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। 42nd अमेंडमेंट के साथ 1976 से शिक्षा भारत सरकार और राज्य सरकारों की दोहरी जिम्मेवारी में आ गया। जब आपातकालीन समय चला गया, कुछ अधिकार फिर राज्यों को चला गया, कुछ अधिकार मित्रों केंद्र के साथ साझा बने रहा, शिक्षा भी ऐसे एक विषय बने रहा। हम आगे बढ़े, अनेक प्रयास सभी ने किया। अब तक 75 साल में, हम आजादी की 75 साल मना रहे हैं, आजादी की 75 साल में सभी ने, सभी राज्य सरकारों ने, सभी स्थानीय सरकारों ने, भारत सरकार ने अपने बुद्धि विवेक से शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। मैं लेकिन एक प्रयास को, एक लीप फ्रॉगिंग, एक बड़ी छलांग वाला प्रयास मैं मानता हूं। 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करते हुए देश की स्कूल और लर्निंग आउटकम और टीचिंग टीचर्स कैपेसिटी, टीचर्स नंबर, इस पे जोर देके भारत सरकार की थोड़ा हैंड होल्डिंग करके लंबी छलांग लगाई गई। उसके उपरांत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा रमसा भी चला, फिर समग्र शिक्षा अभियान के रूप में आज हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इस बीच में कोरोना भी पहुंची और इन दिनों में जैसे जिसकी जिस रिपोर्ट के बारे में अभी आदरणीय हमारे सचिव महोदय उल्लेख कर रहे थे, न्यास की। तो आपण मैंने देखुले सम्मिलनी थिला जो थे कि दुईदिनिया जातीय शिक्षा मंत्री मानकर सम्मिलनी रही है और केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अभिभाषण आपने शुणुते।